को जूनियर वर्ग की रंगोलियों की तरफ लेकर के आता हूँ। ये जूनियर वर्ग के बच्चों के द्वारा 6th-7th क्लास के बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोलियाँ हैं। ये 24 ग्रुप इसमें भी प्रतिभाग किए हुए हैं। एक ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 तक बच्चे शामिल हो सकते हैं। ये लगातार देख पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। ये आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, हमारे साथीगण अंक देने में भी लगे हुए हैं। देखिए कितनी प्यारी रंगोली, कहीं भी कोई कमी नहीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। बड़े बड़े बच्चों को माते देखिए क्या चमचमाती हुई रंगोलियाँ। यहाँ पर शेर पर सवार मैया को दिखाने का प्रयास बच्चों के द्वारा। ये छात्र हैं तो इधर बगल में उनको टक्कर देती हुई छात्रा, ये जूनियर वर्ग आप देख पा रहे होंगे। सीनियर को मैं पहले दिखा चुका हूँ, आपको जूनियर वर्ग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जूनियर वर्ग के बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोलियाँ हैं। देखिए कितनी प्यारी जूनियर वर्ग क्या दे रहे हैं, हम हैं कमाल के ग्रुप एकता को। ये देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का चित्र बच्चों के द्वारा अंकित किया गया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ देखिए माँ शेरावाली, आप देख पा रहे होंगे चित्र बिल्कुल झलकता हुआ नज़र आ रहा होगा। उड़ान एकता ग्रुप कितनी लंबी उड़ान भर रहा है, ये देख पा रहे होंगे। ये छात्रों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ हैं। और इधर आप देख पा रहे होंगे छात्र छात्राओं का मिला जुला ग्रुप है, जहाँ पर बहुत ही प्यारी रंगोली और बहुत ही जगमगाहट। तो ये प्रक्रम लगातार जारी, मैं आगे और बढ़ता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपको और अधिक रंगोलियाँ और अधिक अच्छी चित्रकारी और अधिक अच्छे बच्चों के लोगों को आपके समझ रखने का प्रयास करूँ। यदि मैं लगातार जूनियर वर्ग की तरफ ही आप लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, ये जूनियर वर्ग के ही बच्चे हैं, जूनियर वर्ग की ही रंगोलियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये छात्राएँ जूनियर वर्ग की हैं, तो इधर ये छात्र हैं जूनियर वर्ग से। जूनियर वर्ग में 6, 7, 8 की क्लासें आपके सामने मैं रखता हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। ये बच्चे भी आपके सामने हैं। देखिए हनुमान जी पर्वत को लेकर आप देख रहे होंगे, अगर देखें थोड़ा सा मैं वीडियो और भी मैं आप लोगों को दे सामने रखता हूँ। ये देखिए हनुमान जी किस प्रकार से उड़ान भर रहे हैं। तो इधर और बच्चों के द्वारा कई सारी रंगोलियाँ अलग अलग रंगोलियाँ अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। कहीं चमचम करती रंगोली दिख रही, तो कहीं धुआंधार धुआं हो रहा है। इधर देख रहे होंगे किसान किस तरीके से बैल को खेत में लेकर के जा रहा है, किस तरीके से ऊपर बादल। देखिए घर चित्र देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बड़ा प्यारा जो है दृश्य यहाँ पर बच्चों ने, और ये दीपक प्रज्वलित करते हुए, जी हाँ जी बराबर चलते हुए देख के काम करते रहे मेरा सभी लोग। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ बच्चों ने बनाई, आप देख पा रहे होंगे। लगातार बच्चों के द्वारा प्रतिवर्ष इस तरीके का आयोजन कराया जाता है, और ये आयोजन कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य इन सभी छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य सर्वगुण संपन्न बनाने की कड़ी में मेरा प्रयास रहता है। परंतु कुछ लोगों का इस पर अलग सोच रहता है कि ये समय की बर्बादी रहती है, तो मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं अवश्य कमेंट्स करें। आगे ये सारे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जितने भी ग्रुप्स प्रतिभाग किए हुए हैं, एक बार पूरा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये सभी प्रतिभागी आपको लगातार दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने प्रतिभाग कर किया हुआ है और अच्छी से अच्छी रंगोलियाँ बनाई हुई हैं। धन्यवाद।